आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हमें प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बीच का डिफरेंस पूछ रखा है, तो आइए देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी होती है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय अ प्रोड्यूसर। अब कोई भी प्रोड्यूसर क्या होता है, आपका प्लांट होता है। प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर आपके प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कोई भी प्रोडक्शन किसका, ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। तो जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स को छोड़ के जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंज्यूमर्स ही होते हैं, क्योंकि नेचुरली जो प्रोड्यूस करते हैं वो आपके प्लांट्स ही करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, क्या, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। इनका हम, ये तो था हमारा पहला पॉइंट, इनका हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, एनर्जी की सिंथेसिस होती है किससे, सनलाइट से। और सनलाइट को यूज कर कौन सिंथेसिस करता है, प्लांट्स करते हैं, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस की एक ऐसी गिफ्टेड प्रोसेस होती है जो क्या करती है, एनर्जी को सिंथेसाइज कर सकती है, फूड को सिंथेसाइज कर सकती है। वही बात करें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किससे, थ्रू द फूड चेन। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी पर्टिकुलर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में एनर्जी का ट्रांसफर होता है फूड चेन के अंदर। तो ये है आपका सेकेंड पॉइंट। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये हमारी थोड़ी फास्ट होती है किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के कंपैरिजन में, और ये हमारी होती है स्लो। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस है या स्लो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। विद दिस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।